डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, लास्ट टाइम हमने डिफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी किया था, आज हम डिफ्रैक्शन पूरा कंप्लीट कर देंगे और अब पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट करने से पहले, अब से लेके जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका डेली 5 मिनट का टेस्ट होगा। उसका रीजन बता रहा हूं मैं, क्योंकि जब जब थ्योरी होगी, थ्योरी क्योंकि अब थ्योरी के लेक्चर ज्यादा होंगे और न्यूमेरिकल वाइज उतना स्ट्रांग नहीं है पिछले चैप्टर जितने थ्योरेटिकल स्ट्रांग है, मतलब थ्योरी में ऐसा होगा कि आधा चैप्टर निकल जाया करेगा। और अगर मैं इस तरीके से चलूंगा, और रे ऑप्टिक्स की स्पीड तो चलने की बहुत ही फास्ट है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में प्रूफ थ्योरी आप खुद ही देख लो, इतनी भरी पड़ी है थ्योरी पूरी किताब में, आपको न्यूमेरिकल कम और थ्योरी ज्यादा दिखेगी। तो इसके और कोई तरीका नहीं, अगर आप दिसंबर एग्जाम तक कुछ नहीं पढ़ोगे तो 100% स्कूल में दिसंबर में आपके नंबर नहीं आ सकते, और कोई स्टूडेंट 10 दिन के अंदर इस थ्योरी को याद नहीं कर सकता, इतना मेरे को पता है। तो इसलिए रोज की रोज याद करेंगे, रोज की रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो अभी स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन हमने स्टडी कर लिया था, डिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट का बेंड होना कॉर्नर से। तो अगर ये लाइट आ रही है, ये आपका ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल से टकरा के कुछ लाइट नो डाउट सीधा भी जा रही है, कुछ एंगल पे जा रही है, कुछ इस एंगल पे, कुछ इस एंगल पे, कुछ इस एंगल पे। तो हमने इस फिनोमेना को स्टडी करना है, और इसका जो रिजल्ट आया था डिफ्रैक्शन का, वो क्या आया था? रिजल्ट ये आया था कि जो आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर क्योंकि सिंगल सोर्स से लाइट आ रही है, लाइट बेंड हो रही है, बेंड होने के बाद स्क्रीन के ऊपर गिर रही है, कुछ पॉइंट्स पर डार्कनेस है, कुछ पे ब्राइटनेस है, डार्कनेस है, ब्राइटनेस है, डार्कनेस है और ब्राइटनेस है। तो प्रॉब्लम ये थी कि लाइट एक ही सोर्स से आ रही थी, फिर भी डार्कनेस कैसे हो सकती है, क्योंकि हर जगह पर क्या होनी चाहिए थी? ब्राइटनेस। तो आज हमने ये केस डिस्कस करना है कि हमारी जो डार्कनेस है वो क्यों हो रही है। ठीक, इसके लिए क्या है, इसमें डिफ्रैक्शन उस स्टडी करने के लिए हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो वेव फ्रंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक प्लेन वेव फ्रंट। और प्लेन वेव फ्रंट बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप एक सोर्स लो, ये आपका एक सोर्स है, सपोज यहां से इस सोर्स से लाइट निकलती है, रेज निकलती है, और आप क्या करते हो, रास्ते में एक लेंस लगा देते हो, लेंस में पास करते ही ये रेज ऑफ लाइट स्ट्रेट हो जाएंगी, एकदम सीधी हो जाएंगी, और क्या डेवलप हो जाएगा, एक प्लेन वेव फ्रंट। एक प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में लाइट आगे मूव कर रही है। अब एक स्लिट रास्ते में आएगी, इस स्लिट की विड्थ ए है, इस स्लिट में से लाइट को पास करने कुछ वेव फ्रंट सीधे चले जाएंगे, कुछ वेव फ्रंट बेंड हो जाएंगे, कुछ ऊपर बेंड और कुछ नीचे बेंड हो जाएंगे, एंड सो ऑन। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको यह बताया था फ्रेजनल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन दो डिफ्रैक्शन हैं। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन क्या है? फ्रेजनल डिफ्रैक्शन है, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन दैट टेक्स प्लेस एट अ स्लिट व्हेन सोर्स ऑफ लाइट लाइज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इट। कि अगर आपका सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस का है, और अगर सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो उस केस में आपका वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि फाइनाइट डिस्टेंस का सोर्स कभी प्लेन वेव फ्रंट जनरेट नहीं करेगा। वेव फ्रंट या तो स्फेरिकल करेगा या सिलिंड्रिकल करेगा, कैसे भी करेगा लेकिन प्लेन नहीं करेगा। उसी तरीके से फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में ये वो डिफ्रैक्शन है जब आपका वेव फ्रंट क्या होगा, एक प्लेन वेव फ्रंट होगा, एक प्लेन वेव फ्रंट होगा, यह आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। अब इस डायग्राम को समझते हैं कि डिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। डायग्राम से पहले यह आपका सोर्स है, ये आपकी रेज ऑफ लाइट है, ये आपकी लाइट है, प्लेन वेव फ्रंट जनरेट हो गया, प्लेन वेव फ्रंट आगे जा रहा है, रास्ते में स्लिट आ गई, ये एक स्लिट है, स्लिट से आपका एक वेव फ्रंट बेंड हो गया बाय एन एंगल ऑफ थीटा, और कुछ वेव फ्रंट सीधा पास कर गए। अजय, अजय तो कल आ गया, अमृता, दिनेश, कार्तिका, संदीप,
इसके अंदर आपको क्या करना है, सपोज ये आपकी एक स्लिट है और विड्थ ए, जो वेव फ्रंट एकदम सीधा आ रहा है, इसको मैं फोकस करना चाहता हूं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे फोकस करने के लिए मेरे को लेंस लगाना पड़ेगा एक बार फिर से, ताकि लाइट एक, देखो ऐसे तो डिफ्रेक्शन हो ही नहीं पाएगा, ऐसे अगर डिफ्रेक्शन होगा फिर तो लाइट ही लाइट गिर जाएगी। तो मैंने क्या किया, या एक लेंस लगाया, तो अगर ये वेव फ्रंट यहां से सीधा चला गया तो ये जो भी यहां से लाइट आ रही है वो फोकस हो जाएगी एक पॉइंट पे, ये सेंटर का पॉइंट है जहां पर लाइट फोकस हो गई। चाहे वो वेव्स हैं चाहे वो रेज हैं, उन्होंने फोकस तो होना ही होना है, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि वेव्स फोकस नहीं होती, रेज फोकस होती हैं, ये क्या बात बनी है। तो वो लाइट ना, लाइट चाहे रे की फॉर्म में स्टडी करो चाहे वेव की फॉर्म में, आपकी आपका कॉन्सेप्ट तो लाइट का वही रहेगा। तो इसमें एक चीज क्लियर है कि अगर जो भी वेव ऊपर से आ रही है और उसने इतना रास्ता कवर किया, नीचे की वेव ने भी उतना ही रास्ता कवर किया, सच दैट कि इनका पाथ डिफरेंस जब माइनस करोगे तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। पाथ डिफरेंस जीरो का मतलब कि अगर इसने 4 लैम्डा कवर किया डिस्टेंस, तो इसने भी 4 लैम्डा कवर करना है, और पाथ डिफरेंस जीरो। 4 लैम्डा का मतलब इसने टोटल एंगल कवर किया होगा 8 पाई, तो इसने भी कितना किया होगा 8 पाई, तो फेज डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो। फेज डिफरेंस जीरो का मतलब होता है कि अगर ऊपर वाली वेव क्रेस्ट प्रोड्यूस कर रही है तो नीचे वाली वेव भी क्रेस्ट प्रोड्यूस करेगी, बड़ा क्रेस्ट आएगा। मीन्स सेंट्रल पॉइंट फिर से एक बार किसका होगा, ब्राइटनेस का होगा। जब जब पाथ डिफरेंस जीरो होगा वो पॉइंट हमेशा ब्राइटनेस का होगा। कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है यहां तक। और मैंने ये भी आपको शायद बता दिया था कि कोई स्टूडेंट कहेगा कि इसमें दो ही वेव्स हैं, नहीं दो वेव्स नहीं है। आप कितनी भी अज्यूम कर लो, मान लो ऊपर अगर दो वेव्स हैं तो नीचे भी फिर दो वेव्स होंगी, अगर ऊपर तीन वेव्स हैं तो नीचे भी तीन वेव्स होंगी, सच दैट ये हिस्सा आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। कैंसिल मीन सॉरी इंटरफेयर कर रहा है, कैंसिल बोल गया, सॉरी कैंसिल की जगह वर्ड क्या करना पड़ेगा, इंटरफेयर कर रहा है, सच दैट इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट पे गिर रहा है या इसका ट्रफ इसके ट्रफ पे गिर रहा है, ताकि यहां पर सेंट्रल पॉइंट पर क्या आ रही है, ब्राइटनेस आ रही है। यहां तक ठीक है। अब इसमें सेंट्रल पॉइंट की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट में हमेशा ब्राइटनेस है, इसकी बात नहीं करते। अब हम बात करते हैं, सपोज ये एक स्लिट है और ये डिस्टेंस इनके बीच में ए है, एंड मैं क्या करने वाला हूं इसमें, ये स्क्रीन है, मैं इस पर इमेजिन करने वाला हूं कि मेरा एक वेव फ्रंट बेंड हो गया। जब वो बेंड हुआ, लेंस में रखा हुआ है, जब वो बेंड हुआ तो क्या हुआ, यहां से इस पॉइंट से यहां तक आपकी लाइट गई और यहां से बेंडिंग हो गई, और मान लो कुछ ऐसा डायग्राम बन गया, सच दैट अगर ये पी पॉइंट है, नीचे वाले हिस्से से जो लाइट यहां पहुंचेगी वेव की फॉर्म में, ऊपर से भी पहुंचेगी वेव की फॉर्म में, इनके बीच में पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसने ज्यादा लंबा रास्ता कवर करना है और इसने कम करना है, तो जिस वजह से देयर विल बी सम पाथ डिफरेंस, एंड इफ देयर इज सम पाथ डिफरेंस, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, ब्राइटनेस भी हो सकती है और डार्कनेस भी हो सकती है। यहां तक क्लियर है सबको, समझ आ रहा है सबको? इसका मतलब पी पॉइंट पर देयर कैन बी ब्राइटनेस, देयर कैन बी डार्कनेस, ठीक। अब डिसाइड ये करना है कब ब्राइटनेस होगी और कब डार्कनेस होगी, ठीक। देखें जरा ब्राइटनेस और डार्कनेस कब होगी। तो ब्राइटनेस और डार्कनेस के लिए हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए ये डायग्राम ध्यान से देखो, ये वही डायग्राम है जो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ये सेंट्रल पॉइंट है, ये एक स्लिट है ए डिस्टेंस की, यहां से कोई वेव आई पी पॉइंट तक, यहां से कोई वेव आई पी पॉइंट तक, एंड यहां पर इंटरफेयर करेंगी, ब्राइटनेस भी हो सकती है और डार्कनेस भी हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, मैं अगर सिर्फ इतने पोर्शन का डायग्राम बनाऊं, सिर्फ इतना सा, और ये डायग्राम कितना है ए बाय टू, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए बाय टू, ठीक। डायग्राम बना हुआ है, हाँ नेक्स्ट पेज भी बना हुआ है आपके। ए बाय टू अगर मैं डिस्टेंस लू और मैं सिर्फ यहां से जाती हुई और यहां से जाती हुई वेव्स को लूं, यानी कि मैं फुल वेव फ्रंट की बात नहीं कर रहा, मैं हाफ वेव फ्रंट की बात कर रहा हूं, आधे वेव फ्रंट की बात कर रहा हूं, तो मेरा जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, सबको क्लियर है। मींस टोटल वैसे तो स्लिट नीचे तक थी, वैसे तो ए बाय टू और ए बाय टू था, वैसे तो यहां तक डायग्राम था, ऊपर पी पॉइंट था जहां पर वो इंटरफेयर कर रही थी,
मतलब टोटल स्लिट यहां से लेके यहां तक है, ऐसे है ये स्लिट है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मैं अगर टोटल डिस्टेंस ए ले लूं तो मेरा डायग्राम जो बनता है वो ये डायग्राम बनता है पीछे पीछे वाला, पर मैं ये नहीं ले रहा, मैं क्या ले रहा हूं, सिर्फ इतना हिस्सा ले रहा हूं ए बाय टू, ए डिवाइडेड बाय टू। तो क्या बनेगा, ये मेरी एक स्लिट थी और मैंने डिस्टेंस लिया ए डिवाइडेड बाय टू, एक वेव ऊपर गई एक वेव नीचे गई, नीचे से आई। मैं नीचे वाला डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हाफ वेव फ्रंट से ड्रॉ कर रहा हूं ये वाला डायग्राम। समझ आ रहा है सबको ये नया डायग्राम क्या शो कर रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो? तो मैं इतने पोर्शन को, ये जो मेरा पोर्शन है उसको उठा के मैं यहां पर रख रहा हूं। एनी डाउट, यहां तक सबको क्लियर है? समझ आ रहा है विभूति? ठीक, सबको क्लियर है? नंदिनी, कौन सा मैंने डायग्राम उठा के बना रहा हूं? तो मैंने हाफ वेव फ्रंट का डायग्राम बनाने, तो मेरा ये डायग्राम बन गया। अब हाफ वेव फ्रंट और फुल वेव फ्रंट में फर्क इतना सा है, अगर आप फुल वेव फ्रंट की बात करते हो, अगर आप फुल वेव फ्रंट की बात करते हो तो उस केस में ये आपका पूरे का पूरा वेव फ्रंट है, ये आपकी पूरी की पूरी स्लिट है ए डिस्टेंस की, ए डिस्टेंस की। ये आपका वो वेव फ्रंट है जो बेंड हो चुका है, ये देखो ये बेंडिंग वाला वेव फ्रंट है, और बेंड कितने एंगल पे हो चुका है, बाय एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है यहां तक? और अगर मैं पूछूं कि यहां से एक वेव निकली थी जो पी पॉइंट तक गई थी, नीचे से एक वेव निकली थी जो पी पॉइंट तक गई थी, नीचे की वेव ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया ऊपर की वेव से, ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ये वाला डिस्टेंस, पर बाय व्हाट अमाउंट, याद रखना यहां से लेके यहां तक ये रास्ता एकदम बराबर है, ये रास्ता एक्स्ट्रा पाथ है जो नीचे वाली वेव ने क्या करना है, कवर करना है। तो ऊपर वाली वेव यहां से लेके यहां तक है, नीचे वाली वेव यहां से लेके यहां तक है, लेकिन नीचे वाली वेव ने इतना पाथ ज्यादा कवर किया किससे, ऊपर वाली वेव से। तो ये किसके इक्वल होगा, अगर ये ए के इक्वल है, अगर ये ए है और अगर ये थीटा है, तो मुझे पता है इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? तो ये क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ऐसे केस में कि नीचे से जो वेव है वो ऊपर की वेव से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और इनमें पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक, अब डिपेंड करता है, ये वेव फ्रंट अगर ज्यादा ही बेंड हो जाता तो ए साइन थीटा बड़ा हो जाता है, ए साइन थीटा तो वेरिएबल है ना, डिपेंडिंग अपॉन थीटा ए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज, डिपेंडिंग अपॉन थीटा ए साइन थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो उसमें यानी कि नीचे वाली वेव ऊपर वाली वेव से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और कितना, ए साइन थीटा, मुझे मालूम नहीं कितना ज्यादा, वो डिपेंड करता है एंगल थीटा की बेंडिंग कितनी ज्यादा हुई। यहां तक भी क्लियर है? ठीक, यहां तक समझ आ रहा है? ठीक, तो देखो हाफ वेव फ्रंट पे आ जाओ, उसी डायग्राम में आ जाओ। जैसे मैंने अभी लिखा था कि अगर मैं ए विड्थ लेता हूं, ए विड्थ के केस में जैसा कि मैंने अभी ड्रॉ किया यहां पर, ए विड्थ के केस में, ए विड्थ के केस में ऊपर और नीचे से आने वाली वेव में पाथ डिफरेंस कितना होगा, ए साइन थीटा। अगर मैं हाफ स्लिट लेता हूं, आधी स्लिट, तो ये डिस्टेंस कितने है, ए बाय टू, दिस इज इक्वल टू ए बाय टू, और आपका वेव फ्रंट बेंड हुआ था बाय एन एंगल ऑफ थीटा। तो उस केस में ये पाथ डिफरेंस, मान लो एक वेव यहां से आ रही है, मान लो एक वेव यहां से आएगी, पाथ डिफरेंस की वैल्यू इसमें क्या होगी, ए बाय टू साइन थीटा। यहां तक क्लियर है? तो जब पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ए बाय टू साइन थीटा। मैथ्स है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा इज दिस अपॉन ए बाय टू, तो दिस इज इक्वल टू ए बाय टू साइन थीटा। वैसे भी क्लियर ही है, अगर आप पूरा वेव फ्रंट लेते, पूरे वेव फ्रंट में पार्ट डिफरेंस कितना था, ए साइन थीटा, अगर आप हाफ वेव फ्रंट लेते हो तो ए बाय टू साइन थीटा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है ना? यहां तक अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो मैंने हाफ वेव फ्रंट लिया, आधी स्लिट ली, और मैंने आधी स्लिट में, ये पूरी स्लिट है ए,
میں نے ڈائیگرام یہاں کا اور یہاں کا بنایا اور میں نے یہ بولنے کی کوشش کی اگر یہاں سے ویو آ رہی ہے اور اگر یہاں سے ویو آ رہی ہے تو نیچے والی ویو اے بائی ٹو سائن تھیٹا زیادہ ڈسٹینس کور کرے گی اوپر والی ویو سے, یہ والا ڈسٹینس میں سے بول رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب فائنلی اپنی تھیوری پہ آ جاتے ہیں, صرف ایک لائن چیک کرنا. اف اگر اے بائی ٹو سائن تھیٹا, اب دھیان سے دیکھنا, اگر اے بائی ٹو سائن تھیٹا, اے بائی ٹو سائن تھیٹا پارٹ ڈفرینس ہے کس میں, ہاف ویو فرنٹ میں. ویو فرنٹ پورا نہیں لیا میں نے, ویو فرنٹ ہاف لیا, کوئی بات نہیں, میں ہاف کے ساتھ کام کروں گا کہ اگر یہ گیون ہے نا آپ کے اسائنمنٹ میں, گیون ہے نہیں ہے نا, کوئی بات نہیں, ضرورت نہیں پڑے گی, ڈونٹ وری, آپ کو کچھ لکھنا نہیں ہے, صرف سمجھانے کے لیے لکھنا ہے تو رف میں لکھ سکتے ہو, ڈائگرام کے ساتھ لکھ لینا, جو یہ نیکسٹ پیج پہ دو ڈائگرام ہے نا اس کے ساتھ لکھ لینا, اور یہ ڈائگرامس کو بھی ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پیپر میں, صرف سمجھانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک. تو ویسے آپ نے رف لکھنا ہے اور کچھ مت لکھنا, بس یہ تین لائنیں لکھ لینا کہ اف اے بائی ٹو سائن تھیٹا از لیمڈا بائی ٹو, تو یہاں سے اے سائن تھیٹا لیمڈا آ جائے گا, بس یہ دو لائنیں لکھ لینا. تو میرا ہاف ویو فرنٹ میں جو پاتھ ڈفرینس آیا وہ کتنا آیا, اے بائی ٹو سائن تھیٹا آیا. اور اگر اے بائی ٹو سائن تھیٹا لیمڈا بائی ٹو کے اکول ہو, لیمڈا بائی ٹو کی کیا خاص بات ہے, خاص بات تو ہے کیونکہ لیمڈا بائی ٹو جو ہوتا ہے دیٹ ریپرزینٹ فیز ڈفرینس آف پائی, لیمڈا کا مطلب ٹو پائی, تو لیمڈا بائی ٹو کا مطلب پائی, اور اگر فیز ڈفرینس پائی ہو جائے دو ویوز میں نیچے اور اوپر کی, پائی کا مطلب ایک کریسٹ پھینکے گا تو دوسرا ٹرف پھینکے گا, تو کون سی انٹرفیئرنس ہوگی, ڈسٹرکٹیو, ٹھیک ہو گیا. تو اگر سپوز یہ آپ کی ایک ویو ہے, نیچے سے ایک ویو ہے, اور میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر دس اے بائی ٹو سائن تھیٹا اگر یہ لیمڈا بائی ٹو ہو جائے, دیکھو لیمڈا بائی فور ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, لیمڈا بائی تھری ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, فائدہ صرف دو چیزوں کا ہوتا ہے, یا تو لیمڈا بائی ٹو کا ملٹیپل, لیمڈا کا ملٹیپل, کیونکہ لیمڈا کورسپونڈ ٹو فیز آف ٹو پائی, ٹو پائی سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن لیمڈا بائی ٹو کورسپونڈ ٹو فیز آف پائی, پائی سے چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. تو ہم دو ہی کیس ڈسکس کریں گے. تو اس میں مان لو ایک منٹ کے لیے کہ جو اے بائی ٹو سائن تھیٹا لیمڈا بائی ٹو کے اکول ہے, تو اس میں کیا میں ٹو سے ٹو کینسل کر سکتا ہوں, اور کراس ملٹی پلائی کر کے اے سائن تھیٹا کیا گیا, لیمڈا. تو کراس ملٹی پلائی کیا اور اے سائن تھیٹا کی ویلو کس کی اکول ہوگی, لیمڈا. لیکن اے سائن تھیٹا پارٹ ڈفرنس کس کا تھا, پورے ویو فرنٹ کا تھا. پورے ویو فرنٹ کا مطلب اگر آپ کمپلیٹ ویو فرنٹ اے لیتے ہو, اے ویڈتھ کا لیتے ہو, تو اوپر سے ایک ویو آ رہی ہے, نیچے سے ویو آ رہی ہے, تو اوپر اور نیچے کے بیچ میں پارٹ ڈفرنس کتنا ہوتا ہے, اے سائن تھیٹا. یہاں تک کلیئر ہے, میں نے اسٹارٹ کیا تھا ہاف ویو فرنٹ سے اور میرا ریزلٹ کس میں کنورٹ ہو گیا, پورے ویو فرنٹ میں. اور میں نے میتھمیٹکلی کیا بتا دیا آپ کو کہ اف اے سائن تھیٹا از اکول ٹو لیمڈا, تو اس کیس میں کون سی انٹرفیئرنس ہوگی, ڈسٹرکٹیو ہی ہوگی, کیونکہ اے بائی ٹو سائن تھیٹا لیمڈا بائی ٹو ڈسٹرکٹیو ہے, تو وہاں سے اے سائن تھیٹا لیمڈا بھی ڈسٹرکٹیو ہی ہے میتھمیٹکلی. یہاں تک کلیئر ہے, ٹھیک. تو ایک چیز تو کلیئر ہوگی کیا, اس کے اندر پیچھے آ جاتے ہیں, اس کے اندر میں اگر منیما کی بات کروں, کنڈیشن آف منیما, منیما کا مطلب جہاں پر کیا آنے والی ہے, ڈارکنیس. تو اگر میں منیما کی بات کروں, منیما کی کنڈیشن کب آئے گی, اگر اے سائن تھیٹا ٹوٹل پارٹ ڈفرینس ول بیکم ایکول ٹو لیمڈا, لیمڈا, ٹھیک. اور یہ میں نے میتھمیٹکلی پروف کر کے دکھایا, اے بائی ٹو سائن تھیٹا کو لیمڈا بائی ٹو, تو اے سائن تھیٹا کیا آ گیا, لیمڈا. یہاں تک کلیئر ہے, اب یہاں تک کلیئر ہے نا, اے سائن تھیٹا کیا تھا, پارٹ ڈفرینس, اور پارٹ ڈفرینس کیا آ گیا, لیمڈا, تو کون سی انٹرفیئرنس ہوئی, ڈسٹرکٹیو, ٹھیک ہے. جبکہ انٹرفیئرنس کے اندر ڈیفریکشن ہو رہا ہے, جبکہ انٹرفیئرنس کے اندر لیمڈا جب پارٹ ڈفرینس ہوتا ہے تو ڈسٹرکٹیو نہیں, وہاں پر کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہوتی ہے, لیکن ڈیفریکشن کے اندر الٹا ہو گیا, ڈیفریکشن کے اندر لیمڈا پارٹ ڈفرینس پہ ڈسٹرکٹیو ہو گئی انسٹیڈ آف کنسٹرکٹیو. کنفیوز نہیں ہونا, کنفیوز نہیں ہونا, اب یہاں سے تھوڑی کنفیوژن اسٹارٹ ہو جائے گی. کلیئر لینگویج میں پھر سے بتاتا ہوں, میں نے اے بائی ٹو سائن تھیٹا لیمڈا بائی ٹو کے اکول جب ایزیوم کروایا, تو اے سائن تھیٹا لیمڈا آ گیا, ٹھیک ہے, اے بائی ٹو سائن تھیٹا لیمڈا بائی ٹو پہ ڈسٹرکٹیو تھا. تو میں نے اس کو میتھمیٹکلی جب سالو کیا تو میں نے دیکھا کہ اے سائن تھیٹا لیمڈا کے اکول, لیمڈا کے اکول بھی ڈسٹرکٹیو ہونا چاہیے, اور وہ آیا, ٹھیک. تو اے سائن تھیٹا لیمڈا کے اوپر ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس تھی, ابھی میں لکھ کے بھی دکھایا آپ کو,
ठीक यहां था, और साथ में फिर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं विद इंटरफेरेंस कि डिफ्रैक्शन में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन इंटरफेरेंस में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव है। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रूल, कंफ्यूजन अगर चाहते हो कि ना क्रिएट हो, इंटरफेरेंस को डिफ्रैक्शन के साथ आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इंटरफेरेंस में तो ऐसा होता था, डिफ्रैक्शन में ऐसा होता है, तो इंटरफेरेंस टोटली एक डिफरेंट फिनोमिना था। उसमें दो सोर्सेस थे जिसमें से लाइट बाहर निकलती थी, इसके अंदर दो सोर्स नहीं है, इसमें एक सोर्स है, एक सोर्स में से लाइट निकल रही है और लाइट का कुछ पार्ट अपने ही कुछ पार्ट के ऊपर क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, हमें समझ भी नहीं आ रहा, मेरे को ये भी नहीं दिख रहा कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं। मैं तो सिर्फ एक थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, कोई जाके मैं प्रूव कैसे करूंगा इसे, मैं नहीं प्रूव कर सकता इसको। प्रूव तो तब करूं जब कोई रे डायग्राम से या किसी डायग्राम से दिखाऊं कि देखो इसमें नंबर ऑफ वेव्स अगर 100 है, नीचे से वेव्स आ रही है उसमें 200 है, तो उनके बीच में पार डिफरेंस है या फेज डिफरेंस है, मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था, एक्सपेरिमेंट पहले होते हैं, रिजल्ट्स बाद में आते हैं। तो एक्सपेरिमेंट हुआ, अब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अगर सेंट्रल पॉइंट पर ब्राइटनेस आई तो क्यों आई, उसका रीजन डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि पार डिफरेंस जीरो था तो वहां पर तो ब्राइटनेस आनी ही थी, उसको तो हमने डिस्कस करना ही नहीं। फिर मैंने कहा कि अगर कोई भी अगर मैं पॉइंट लेता हूं वहां पर कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, ब्राइटनेस है या डार्कनेस है, मेरे को कैसे पता लगेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को उसके अंदर की बातों दिखाई दे नहीं रही कि लाइट आपस में मिक्स हो कैसे रही है। तो मैं अंदाजा लगा रहा हूं और मैं मैथमेटिकली इस चीज को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ए साइन थीटा लैम्डा हुआ होगा, मान लो अजम्पशन है ये सारी अभी के अभी, लेकिन बाद में ये रिजल्ट्स बिल्कुल ट्रू बन जाएंगे, क्योंकि जब हमने इन रिजल्ट्स के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हुआ तो वो एकदम सही रिजल्ट देना शुरू हो गया। इसका मतलब ये जो थ्योरी है वो एकदम सही है, मतलब पहले थ्योरी बनाने वालों ने पता नहीं कितना कुछ सोचा होगा कि शायद ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा। मैं आपको वो बैक स्टोरी नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा भी हुआ हो सकता है, ऐसा भी आपके माइंड में आएगा कि सर लैम्डा बाय 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, आप लैम्डा बाय 3 से स्टार्ट करो, लैम्डा बाय 4 से, उसे रिजल्ट्स नहीं आए। तो इसका मतलब एक ऐसी अजम्पशन को फिक्स करना पड़ेगा जिससे आपके रिजल्ट्स एकदम सही आएंगे, और वो रिजल्ट यही है कि अगर ए साइन थीटा लैम्डा के इक्वल आएगा तो आपने उसको क्या बोलने, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाली है। अब आगे थ्योरी सुनो, अब देखो अब एक थ्योरी आने वाली है फिर से इसी से, और वो थ्योरी से आपका डिफ्रैक्शन आपको समझ आ जाएगा, प्रोवाइडेड आप उस थ्योरी को मान लो। आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, ठीक, या तो उसको प्रूव कर दो कि ये थ्योरी गलत है और फिर प्लस टू का सिलेबस चेंज हो जाएगा और आपका नाम आ जाएगा, ठीक, क्योंकि आपने थ्योरी फेल प्रूव कर दी। देखो थ्योरी ये है, देखो ध्यान से सुनना कि अगर ये स्लिट है, स्लिट की विड्थ ए है, ध्यान से सुन लेना, पॉइंट पी है, और सपोज यहां से आपकी वेव्स आ रही थी, ठीक है, लाइट आ रही है, पी पॉइंट पर इंटरफेयर कर रही है, पाथ डिफरेंस नीचे और ऊपर का कितना लिया था, ए साइन थीटा, यहां तक भी क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें, ठीक। अब मैंने ये बोला कि अगर ए साइन थीटा लैम्डा के इक्वल है तो कौन सी इंटर क्या हो रहा है यहां पर, ठीक है, यहां तक इसकी थ्योरी देखो बनाने वाले ने क्या की, ठीक है, उसने इसको डिस्ट्रक्टिव प्रूफ कर दिया एक तरीके से, पर इसकी थ्योरी एक्सप्लेनेशन ये थी कि यहां पर डिस्ट्रक्टिव इसलिए आया कि आप अपने वेव फ्रंट के दो हिस्से कर लो, ये आधा हिस्सा है और ये आधा हिस्सा है, कर लिया, मान लो, मानने जो बुक्स में लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप उसको मानते जाओ, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है, मान लिया। अब सपोज करो एक्सप्लेनेशन देखो डिस्ट्रक्टिव की क्या है, कि यहां और यहां पाथ डिफरेंस कितने हैं, लैम्डा बाय 2, यहां और यहां पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2, क्योंकि टोटल पाथ डिफरेंस में कितना ले रहा हूं, लैम्डा, ठीक। तो थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उस केस में अगर आप एक वेव ऊपर लेते हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक वेव नीचे जरूर लेना, या एक वेव नीचे जरूर एग्जिस्ट करती होगी जिस जो आपस में क्या कर रही है, कैंसल, कैंसल मींस अगर ऊपर की वेव का क्रेस्ट चल रहा है तो नीचे की वेव का वहां पर क्या आएगा, ट्रफ,
किसी ने ऊपर की वेव नहीं देखी, किसने नीचे की वेव नहीं देखी, किसने वेव फ्रंट को जाकर डिवाइड किया, किसने नहीं किया। ये आप चलने दो, दो मिनट, पांच सात मिनट के लिए आप सुनते जाओ कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये थ्योरी निकाली गई कि अगर पार्ट डिफरेंस टोटल, टोटल मींस यहां और यहां के बीच में लैम्डा है, तो वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लैम्डा बाय टू एंड लैम्डा बाय टू। इफ देयर इज अ वेव इन अपर पार्ट, देयर ऑल्सो एग्जिस्ट अ वेव इन अ लोअर पार्ट एंड दे आर कैंसलिंग ईच अदर, देयर फोर यहां पर क्या आ रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आप मुझसे ये कहो अपर पार्ट में 100 वेव्स हैं, तो लोअर पार्ट में भी 100 ही वेव्स होंगी, उल्टी वेव्स होंगी 100, और 100 एंड 100 वेव्स आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को कैंसल, इसलिए क्या आ रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर एक बार थ्योरी सुनो, सपोज स्लिट है, अगेन ए पी पॉइंट है, इस बार मान लो एक मिनट के लिए कि आपका जो पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा है, ए साइन थीटा, मान लो ए साइन थीटा की जो वैल्यू है वो लैम्डा नहीं है, वो सपोज कितनी है, 2 लैम्डा इस बार। तो आप इमेजिन करो, आप इमेजिन करो कि आपके वेव फ्रंट के चार हिस्से करने वाला हूं मैं, 1, 2, 3 और 4, ये लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस का है, लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस का है, लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस का है एंड लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस का है, तो टोटल बिकम्स 2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस। फॉर ईच वेव इन दिस अपर पार्ट, दिस लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस का जो सेगमेंट है, यहां पर भी कोई वेव एग्जिस्ट करती होगी, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसकी जो वेव्स हैं, इसकी वेव से क्या करके आपस में इंटरफेयर कर गई और आपस में कैंसिल कर गया, ये पार्ट पूरी की पूरी वेव कैंसिल कर गई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई। ध्यान से यानी सुनते जाओ, पूरी एग्जाम कंप्लीट करने दो। नेक्स्ट, यहां का सेगमेंट इस सेगमेंट को क्या कर गया, कैंसिल, मींस यहां पर जो भी वेव्स होंगी वो लैम्डा बाय 2 नीचे वेव्स को क्या कर गई, कैंसिल, इसलिए फिर से एक बार क्या आ गई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर सुनो एक बार, अगर मान लो ये आपकी स्लिट है, ये पी पॉइंट है, इस बार जो पार्ट डिफरेंस है ए साइन थीटा वो मान लो 3 लैम्डा है, 3 लैम्डा के केस में आप क्या करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 लैम्डा बाय 2 का, लैम्डा बाय 2 का, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा बाय 2, टोटल बिकम्स 3 लैम्डा। लैम्डा बाय 2 का ये हिस्सा इस इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, फिर से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 4 लैम्डा में 8 हिस्से कैंसिल हो जाएंगे, 5 लैम्डा में 10 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स को कैंसिल। अब एक काम करते हैं, अब सपोज करो पी पॉइंट पर ये जो ए साइन थीटा आ रहा है, ए साइन थीटा लेट से 3 लैम्डा बाय 2 के इक्वल है, मान लो 3 लैम्डा बाय 2 के इक्वल है, तो अगर ये 3 लैम्डा बाय 2 के इक्वल है तो आपने अपनी स्लिट्स के कितने हिस्से करने हैं, 3, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। लेकिन मैंने आपको बताया कि लैम्डा बाय 2 का एक कॉम्पोनेंट दूसरे लैम्डा बाय 2 को क्या कर जाता है, कैंसिल, लेकिन इस लैम्डा बाय 2 को कैंसिल करने वाला कोई कॉम्पोनेंट नहीं होगा और ये वेव्स किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगी, इसलिए यहां पर कौन सी इंटरफेरेंस हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव। फिर से एक बार आ जाओ, अगर पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा इस बार 5 लैम्डा बाय 2 के इक्वल हो, तो आप अपने वेव फ्रंट को 1, 2, 3, 4 और 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, यहां की वेव्स इसको कैंसिल करेंगी, यहां की वेव इसको कैंसिल करेंगी, ये अनयूज्ड होगा, तो इसलिए ये कौन सी इंटरफेरेंस शो करेगा, कंस्ट्रक्टिव। अब मुझे एक चीज बताओ, किसने जाके वेव्स काउंट की, किसने ये कहा कि 5 हिस्सों में डिवाइड करो, 10 में क्यों नहीं कर लो, 15 में क्यों नहीं कर लो, किसने ये डिसाइड किया कि लैम्डा बाय 2 का ही मल्टीपल होगा, है उसका रीजन मैं आपको दे सकता हूं कि लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल क्यों है। लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल इसलिए है क्योंकि लैम्डा बाय 2 ही आपका पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, सिर्फ लैम्डा बाय 2, क्योंकि लैम्डा बाय 2 कॉरस्पॉन्ड्स टू फेज डिफरेंस ऑफ पाई। तो इसलिए या तो आपका क्वेश्चन लैम्डा बाय 2 के साथ चलेगा या आपका क्वेश्चन लैम्डा के साथ चलेगा, बस अदरवाइज नहीं कुछ हो सकता। लैम्डा बाय 4 करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि लैम्डा बाय 4 में क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर नहीं गिर सकती, आधी क्रेस्ट आधी ट्रफ के ऊपर गिरेगी उसका ना तो कोई कंस्ट्रक्टिव होगा और ना ही पूरी तरह डिस्ट्रक्टिव होगा। अब ये थ्योरी है और आपको ऐसी माननी है, ऐसा ही हुआ होगा, ठीक, ऐसा इसलिए मानना है क्योंकि आपके लिए एक जो ये जो रिजल्ट्स हैं ये प्रूव्ड रिजल्ट्स हैं, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने से बोल दिया ऐसे अज्यूम कर लो, आपने कर लिया अज्यूम और दुनिया ऐसी चलती आ रही है, इतने सालों से एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, 50-50 साल का 80-80 साल ऑप्टिक्स के पुराने एक्सपेरिमेंट है और आज तक लोग पढ़ते आ रहे हैं,
इसका मतलब लोगों ने इसको टेस्ट किया होगा और इसका भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा. अभी इसके इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लेके लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 हम क्या करेंगे, हम विड्थ निकालेंगे इंटरफेरेंस इसकी, डार्कनेस की और ब्राइटनेस की. अगर मेरी ये थ्योरी सही है, मैं अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करूंगा स्क्रीन के ऊपर और मैं न्यूमेरिकली इन फॉर्मुलाज को यूज करके जो मैं कह रहा हूँ लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 विड्थ निकाल दूंगा बीटा, फिर मैं प्रैक्टिकल करके उसको स्केल से मेजर करके देखूंगा, अगर वो रिजल्ट आ गया इसका मतलब थ्योरी सही है. और कितनी 100 बार इन्होंने ये न्यूमेरिकल्स या इस रिजल्ट को किया होगा तो जाके एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना और ये हमें अजम्पशन माननी पड़ी कि ऐसा ही होता होगा. तो अब अगर आप मुझे ये कहोगे तो लैम्डा बाय 4 ले लेते हैं, लैम्डा बाय 6 ले लेते हैं, आप लेते रहो, तो अगेन आप उस चीज को फिर से करने की कोशिश करोगे जो 50 साल पहले किसने रिजल्ट को प्रूव करने की कोशिश की लैब में, कितने साल लगाए होंगे उसने अपनी लाइफ के रिसर्च करने में, तो जाके उसने एक रिजल्ट दिया होगा. आप फिर से करना चाहते हो मोस्ट वेलकम, नहीं करना चाहते तो आगे चलते हैं. ये थ्योरी ऐसे ही है, आपको ऐसे ही अज्यूम करना है और कोई भी किताब पढ़ोगे उसमें स्ट्रेटली ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट एनसीईआरटी. एनसीईआरटी की किताब में जो 2 डायग्राम मैंने आपको बताया ना, जो भी एक्स्ट्रा मैं लिखवा रहा था वो एनसीईआरटी का पोर्शन है. बाकी सारी की सारी बुक्स कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन नहीं करती, बस सीधा ये डायग्राम बनाती है, बस सीधा डायग्राम बनाएंगी ये वाला, मिनिमा की कंडीशन लिखेंगी, मैक्सिमा की लिखेंगी, ये कुछ नहीं करेंगी. ये नहीं प्रूफ करेंगी कि लैम्डा बाय 2 और a/2 साइन थीटा से लैम्डा बाय 2 आया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो पहली डार्कनेस कैसे आई थी, लैम्डा कोरिस्पोंड्स टू डार्कनेस क्यों, पहला रिजल्ट और मैथमेटिकली किया कि a साइन थीटा लैम्डा पे डार्कनेस आई थी. फिर थ्योरी शुरू हुई कि अगर ये लैम्डा जो पार्ट डिफरेंस है उसके ऊपर डार्कनेस आई, तो उसने थ्योरेटिकल बनाना शुरू किया कि अगर मैं वेव्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूं तो वहां से वो रिजल्ट्स आने सही हो गए, शुरू हो गए. तो ये आपको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है अपने पेपर के अंदर भी. क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डिफ्रैक्शन, राइट द कंडीशन फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा. एंड इसके बाद ये खत्म नहीं हुआ, इस कंडीशन लिखने में क्या बड़ी बात है, दो लेने का काम है. उसके बाद ये आएगा फाइंड द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यहां तक क्वेश्चन आएगा और बहुत सारे पेपर आया हुआ है. ऐसा नहीं कि आएगा, क्योंकि ABCD सेट्स होते हैं, एक में इंटरफेरेंस की विड्थ दे देगा, एक में डिफ्रैक्शन की विड्थ दे देगा, प्रोसीजर दोनों का सेम है. तो जो आज आप पढ़ के आए हो टेस्ट के लिए वो आप अगली बार भी पढ़ के आओगे सेम टू सेम. अगली बार आपका दोनों का टेस्ट होगा, एक लाइन को देंगे इंटरफेरेंस, एक को देंगे डिफ्रैक्शन, और एकदम उल्टे रिजल्ट्स हैं दोनों के. अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि रिजल्ट्स कैसे करने हैं, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अभी मैंने आपको क्या बताया, इसको 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 इकट्ठा कर लें, उसके बाद आप इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो पूछना है. ठीक, ये डायग्राम सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. ये डी और थीटा क्या कर रहे हैं वो मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको, इसको छोड़ दो. नेक्स्ट है हम कौन सी डिफ्रेक्शन कर रहे हैं, हम फ्रॉनहोफर कर रहे हैं, हम फ्रेजनल नहीं कर रहे. फ्रॉनहोफर में वेव फ्रंट क्या होता है, एक प्लेन वेव फ्रंट होता है, नंबर 2. नंबर 3 हमने ये डिस्कस किया कि लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा इनके ऊपर कौन सी इंटरफेरेंस आ रही है, डिस्ट्रक्टिव डार्कनेस आ रही है. इट मींस कि अगर a साइन थीटा पार डिफरेंस n लैम्डा हो जाए, इसका मतलब कौन सी इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव. याद रहे हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, डिफ्रैक्शन. जबकि इंटरफेरेंस में, इंटरफेरेंस के अंदर हमने जो किया था n लैम्डा पे डिस्ट्रक्टिव नहीं थी, n लैम्डा पर कंस्ट्रक्टिव थी. याद रखना उल्टे रिजल्ट्स होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूजन हो जाती है पेपर में n लैम्डा पे किस में कंस्ट्रक्टिव और किस में डिस्ट्रक्टिव. पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर. दूसरा, अगर a साइन थीटा किसके इक्वल हो जाए, 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 7 लैम्डा बाय 2 या इन जनरल a साइन थीटा 2n+1 into λ/2 2n-1 नहीं, याद रखना. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऑड मल्टीपल क्या लिया था, 2n-1. डिफ्रैक्शन में क्या लेना है, 2n+1. क्यों बताएगा, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस में पहली डार्कनेस कब आई थी, जब पार डिफरेंस कितना था λ/2, जबकि इसमें λ/2 पे कुछ नहीं होता. सबसे पहली ब्राइटनेस, ये कंडीशन डार्कनेस नहीं है, ये कंडीशन इसमें ब्राइटनेस, उल्टा है ना, याद रखना.
ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू यहां पर ब्राइटनेस देंगे और इंटरफेरेंस में क्या देंगे, डार्कनेस देंगे, ठीक है ना यहां तक। और याद रखना इंटरफेरेंस में आपका पार्ट डिफरेंस मिनिमम कहां से स्टार्ट हुआ था, लैम्डा बाय टू से, फिर थ्री लैम्डा बाय टू, फिर फाइव लैम्डा बाय टू, फिर सेवन लैम्डा बाय टू। लेकिन डिफ्रैक्शन का पहला ब्राइटनेस कहां से स्टार्ट होगा, थ्री लैम्डा बाय टू, फिर फाइव लैम्डा बाय टू एंड सो ऑन। तो इसलिए टू इन माइनस वन अगर मैं पुट करता हूं और एन की जगह अगर मैं सपोज वन पुट करता हूं तो पहला मल्टीपल लैम्डा बाय टू आ जाएगा, मुझे नहीं लेना लैम्डा बाय टू, मुझे मिनिमम क्या लेना है, थ्री लैम्डा बाय टू, क्योंकि थ्योरी के अकॉर्डिंगली थ्री लैम्डा बाय टू में एक वेव फ्रंट के तीन हिस्से डिवाइड हो जाएंगे, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू को कर देगा कैंसिल और एक लैम्डा बाय टू ब्राइटनेस शो करेगा। और अगर मैं मिनिमम पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय टू लूंगा तो क्या करूं उसे, ऐसे बोलूं कि लैम्डा फोर और लैम्डा बाय फोर का मल्टीपल हो गया, ऐसा तो है ही नहीं। तो स्लिट का मिनिमम जो डिवीजन होगा वो लैम्डा बाय टू की टर्म्स में होगा, समझ आ रहा है यहां तक। तो जो पहली ब्राइटनेस है लैम्डा बाय टू पे नहीं होगी, पहली ब्राइटनेस कहां पर होगी, थ्री लैम्डा बाय टू, एकदम क्लियर है, एकदम समझ आ रहा है, कोई डाउट इसमें, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इतना काम जरूर कर सकता हूं कि पहले इंटरफेरेंस बता देता हूं, इंटरफेरेंस पे पाथ डिफरेंस बता देता हूं, पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टर इंटरफेरेंस के लिए क्या था, एन लैम्डा, और पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या था, डिस्ट्रक्टिव के लिए टू एन माइनस वन इन टू, ठीक हो गया। अब अगर मैं डिफ्रैक्शन की बात करता हूं तो डिफ्रैक्शन में पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कर सकता हूं, ये लो, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कर सकता हूं, बस ये चार चीजें हमेशा याद रखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, जो मैंने यहां लिख दिया, ठीक, लिख लो इसको साइड पे, लिख लो इकट्ठा करके, एक वेव फ्रंट से सपोज 100 वेव्स आ रही थी टोटल, अगर मैं बोलता हूं कि पाथ डिफरेंस लैम्डा वेव फ्रंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 50 वेव्स 50 वेव्स, वो जो 50 वेव्स हैं इस तरीके से बनेंगी कि वो नीचे वाली 50 वेव्स को कैंसिल कर जाएंगी, ठीक। अच्छा, इन शॉर्ट मैं आपको और बेटर इमेजिन करवाता हूं, इसे अगर नहीं मजा आया तो ऐसे कर लो, इस पूरे रिजल्ट से एक चीज निकल के आएगी, क्यों डार्कनेस आ रही है और क्यों ब्राइटनेस आ रही है, उसका एक ही रीजन है, लाइट का एक हिस्सा, आधा हिस्सा या पता नहीं कितना हिस्सा दूसरे हिस्से के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है, ठीक। जहां जहां डार्कनेस आ रही है, आप छोड़ो वेव फ्रंट को नहीं डिवाइड करना, मत करो, जहां जहां डार्कनेस आ रही है उसका रीजन सिर्फ एक है कि अगर आप 100 वेव्स क्रिएट कर इमेजिन करते हो एक वेव फ्रंट में, तो 25 या 50 और 50 वेव जो वेव्स हैं वो आपस में इस तरीके से इंटरफेयर करती हैं, उनका पाथ डिफरेंस ऐसा होगा कि वहां पर हमेशा डार्कनेस ही होगी, और जहां पर ब्राइटनेस आ रही है वहां इसलिए ब्राइटनेस आ रही है क्योंकि कुछ हिस्सा दूसरे हिस्से को कैंसिल नहीं कर पाया, इसलिए वहां ब्राइटनेस आ रही है, ठीक।
اب کتنی ویوز معلوم نہیں، ویوز کا پارٹ ڈفرنس کیسے لیا معلوم نہیں، کیونکہ دیکھو نا اگر 100 ویوز ہیں ہر کا پارٹ ڈفرنس چینج ہوگا، ایک کا مان لو فرسٹ ویو کا کمپٹیشن 100th ویو کے ساتھ ہے، سیکنڈ کا 99th کے ساتھ ہے، کیا آپ اس چیز کو امیجن کروا سکتے ہو؟ میں 100 کے ساتھ کروا سکتا ہوں، مان لو 100,000 ویوز ہیں، اب کیا کروں؟ مجھے نہیں پتا کیا کروں، تو میرے کو کیا کرنا پڑے گا؟ میرے کو کوئی تھیوری تو لے کے آنی پڑے گی جو میتھمیٹیکلی اپنے ریزلٹس کو میں دے سکوں، تو چاہے آپ 100 ویوز مانو، چاہے 100,000 ویوز مانو، چاہے 2 ویوز مانو، تو ہم نے 2 ویوز ہی لے لی، ایک اوپر والی اور ایک نیچے والی، اور ہم نے اس کے ساتھ ہی پارٹ ڈفرنس اے سائن تھیٹا نکال دیا، کہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے نا، جو ان کے ساتھ ہوتا ہے فرسٹ اور لاسٹ کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی کچھ ویسا ہی ہوتا ہے، اس کی بات ہی نہیں کی، وہاں سے یہ میتھمیٹیکل ریزلٹ بنا دیا، کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو میں ان شارٹ یہی بول سکتا ہوں کہ اب یہ بھی ایک پرابلم ہے، دیکھو اگر آپ اس کے ریزلٹ دیکھو گے نا، ڈیفریکشن پیٹرن دیکھو کیسا ہوگا، انٹرفیئرنس کیسا تھا، جہاں برائٹنس تھی وہاں جتنی برائٹنس آنی چاہیے اس سے زیادہ برائٹنس تھی، تم یہ بولتے تھے کہ ایک کا کریس دوسرے کے کریس پہ گر گیا زیادہ برائٹنس ہوگی، اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں جتنی برائٹنس آنی چاہیے اس سے بھی کم ہے، جبکہ آپ کہو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، لائٹ کا ایک حصہ دوسرے کے اوپر کیا کر رہا ہے، کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس کر رہا ہے، بالکل نہیں کر رہا، کیوں؟ کیونکہ لائٹ، اگر میں ایسا بولوں 100 ویوز ہیں، 50 اوپر کی ویوز 50 نیچے کی ویوز پر کنسٹرکٹیولی انٹرفیئر کر گئی، تو سوچو پھر تو لائٹ پوری کی پوری گرے گی، جبکہ لائٹ پوری کی پوری گرتی نہیں ہے، لائٹ جتنی گرنی چاہیے اس سے کہیں زیادہ کم ہو جاتی ہے، کیوں؟ وہی تھیوری کہ اگر ایک ویو فرنٹ ہے اور مان لو ٹوٹل پارٹ 5λ/2 پارٹ ڈفرنس ہے، 5λ/2 کے کتنے کمپوننٹس بنیں گے؟ 5 λ/2 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 یہ آپس میں کینسل ہو گئے، لائٹ ختم ہو گئی، یہ کینسل ہو گئے، لائٹ ختم ہو گئی، اکیلا λ/2 گر گیا، اور اگر λ/2 گر گیا تو اتنی لائٹ پروڈیوس ہی نہیں کر پائے گا جتنی یہ سارے مل کے کرتے، تو اسی لیے جو آپ کا ڈیفریکشن پیٹرن ہے، جو آپ کا ڈیفریکشن ہے وہ ایسا دکھے گا دکھنے میں، جو یہ بنا ہوا ہے، یہ دیکھو یہ ایکچوئل فوٹوگراف ہے ڈیفریکشن کی، یہ رہا سینٹر پہ سب سے زیادہ لائٹ ہوگی، دور جاؤ گے تو لائٹ جتنی نظر آنی چاہیے اتنی بھی نظر نہیں آئے گی، اس سے بھی کہیں زیادہ کم ہو جائے گی، اس کا ریزن بتا رہا ہوں نا، اس کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ ویو آپس میں کیا کرتی جا رہی ہے، کینسل، اور اسکرین کے اوپر گر کیا رہا ہے، صرف λ/2 بس، کیونکہ اگر آپ 7λ/2 بھی لیتے ہو، 7λ/2 کا 7 حصے کر لو گے، 6 تو آپس میں کینسل ہو گئے، بچے گا تو ایک ہی نا λ/2، تو اسی لیے اس کی اتنی برائٹنس آئی نہیں پائے گی جتنی انٹرفیئرنس میں آئی تھی، انٹرفیئرنس کا تو کانسیپٹ ہی کچھ اور ہے، انٹرفیئرنس میں ایٹ لیسٹ دو لائٹس مل کے ایک بڑی لائٹ تو پروڈیوس کرتی تھی، یا دو لائٹس کینسل ہو کے ایک دم ڈارکنیس پروڈیوس کرتی تھی، اس میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے یہاں تک؟ یہ چیز کلیئر ہے؟ تو یہ انٹرفیئرنس ورڈ میں بار بار یوز تو کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، لیکن مجھے انٹرفیئرنس ہی بولنا چاہیے، میرے کو سپر پوزیشن بولنا چاہیے، کیونکہ انٹرفیئرنس کا یہاں پر کوئی لینا دینا نہیں ہے، بیسیکلی یہ ویوز کیا کر رہی ہیں آپس میں سپر امپوز کر رہی ہیں، ٹھیک ہے یہاں تک؟ تو انٹرفیئرنس کچھ اور چیز ہے، انٹرفیئرنس وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، اگر دو لائٹس مل کے بڑی لائٹ پروڈیوس کریں، مطلب دو لائٹس کی انٹینسٹی مل کے بڑی انٹینسٹی پروڈیوس کریں، وہ انٹرفیئرنس ہے، ری ڈسٹریبیوشن آف لائٹ انرجی، اس میں ری ڈسٹریبیوشن تو ہو ہی نہیں رہی، اس میں تو لائٹ ایک دم ہی غائب ہوتی جا رہی ہے، تو یہ ڈیفریکشن ہے، کوئی اور کلیئرٹی؟ ٹھیک ہے یہاں تک؟ اب اس میں کیا کرنا ہے ہم نے، اس کو لکھنا کیسے ہے، پلیز یہ دیکھ لو، جو ساری کہانی میں نے آپ کو بتائی آپ کو پیپر میں تو لکھ کے آنی پڑے گی، اتنی ایکسپلینیشن جو میں نے دی ایسا کچھ نہیں لکھنا، آپ نے ٹو دی پوائنٹ لکھنا ہے، سنو کیسے لکھنا ہے، آپ نے اس میں لکھنا ہے، اب لکھنے سے پہلے ایک اور چیز کلیئر کر لیتے ہیں، نہیں تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے اس میں بھی، وہ کیا کہ اگر یہ اسکرین ہے، یہ سینٹر ہے، سینٹر پوائنٹ پر ہمیشہ کیا ہے، برائٹنس، پھر ہو سکتا ہے ڈارکنیس ہو، پھر برائٹنس ہو، اینڈ سو آن، ٹھیک چلتا رہے گا ایسے، نیچے ڈارکنیس ہو، برائٹنس ہو، ڈارکنیس، برائٹنس، اینڈ سو آن چلتا رہے گا، جو سینٹر پوائنٹ ہے، سینٹر پوائنٹ ہے، سینٹر پوائنٹ کو ہمیشہ بولتے ہیں پرائمری، پرائمری میکسیما، پرائمری میکسیما، اس کے علاوہ جہاں پر بھی میکسیما آئے گا وہ کون سا ہوگا، سیکنڈری میکسیما، ٹھیک، جیسے امیجن کر لو یہ اسٹوڈینٹ سینٹرل میکسیما ہے، سینٹر ہے،
اس کے بعد بھی میکسیما آئے گا, پھر دوسرا میکسیما آئے گا, یہ زیروتھ پوائنٹ ہے, زیروتھ پوائنٹ ہے, اس کی کاؤنٹنگ یہاں سے سٹارٹ نہیں ہوتی. پہلا اس کے علاوہ پہلا میکسیما یہ تھا, تو یہ آپ کا کون سا میکسیما ہے؟ سیکنڈری, سیکنڈری فرسٹ میکسیما, فرسٹ میکسیما ہے لیکن ورڈ آگے پرائمری نہیں, کون سا ورڈ لگے گا؟ سیکنڈری. یہ آپ کا سیکنڈ میکسیما ہے, کون سا؟ سیکنڈری. یہ آپ کا سینٹر پوائنٹ ہے, یہ آپ کا فرسٹ منیما ہے, کون سا؟ پرائمری کی سیکنڈری, پر یہ تو پہلے ہے, ڈارکنیس میں تو پہلے ہے, تو کیا یہ پرائمری نہیں ہوگا؟ اس کے علاوہ باقی سب کے سب سیکنڈری ہیں. تو یہ سیکنڈری فرسٹ منیما, سیکنڈری سیکنڈ منیما, سیکنڈری تھرڈ منیما, سینٹر پوائنٹ کے آگے ہمیشہ کیا لگے گا؟ پرائمری. سمجھ آ گیا؟ تو اب سٹارٹ کریں, اس کے ٹرمز کیسے لکھ رہے ہیں. تو دیکھو پوزیشن آف سیکنڈری منیما, سیکنڈری منیما کا مطلب کوئی بھی منیما سینٹر پوائنٹ کو چھوڑ کے, سینٹر پوائنٹ کو چھوڑ کے کوئی بھی منیما, وہی ہوا نا سیکنڈری منیما. اب دیکھو آپ نے اس میں لکھنا کیسے ہے کہ اف اے سائن تھیٹا, پارٹ ڈفرینس تو اے سائن تھیٹا ہے ہی ہے, یہاں سے دھیان سے پڑھو, اف اے سائن تھیٹا دس پارٹ ڈفرینس از لیمڈا, تو پی از دی پوائنٹ آف منیما, لیمڈا ٹو لیمڈا تھری لیمڈا پہ منیما ہے کیونکہ ویو فرنٹ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو پارٹس, لیمڈا بائی ٹو اینڈ لیمڈا بائی ٹو, بیکاز ہول ویو فرنٹ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو ایکول ہافز, اف ٹوٹل پارٹ ڈفرینس از لیمڈا, دین پارٹ ڈفرینس فرام اے اینڈ سی از لیمڈا بائی ٹو, بی اینڈ سی ول لیمڈا بائی ٹو, یعنی کہ ویو فرنٹ کو دو حصوں میں بانٹ لیا, اے بی اینڈ سی, اے بی کا لیمڈا بائی ٹو, بی سی کا لیمڈا بائی ٹو, اینڈ دیئر فور ایک لائن لکھ دی اینڈ میں, دیئر فور فور دیئر فور فار ایوری پوائنٹ ان اپر ہاف اے سی دیئر از اے کورسپونڈنگ پوائنٹ ان لوئر ہاف سی بی, مطلب ویو فرنٹ کے دو حصے کر لیے اور یہ بول دیا کہ اوپر والے حصے میں اگر کوئی پوائنٹ ہے, پوائنٹ مینز اگر کوئی ویو ہے, تو نیچے والے حصے میں بھی ایک پوائنٹ ہے, وہاں پر بھی ایک ویو ہے, جو آپس میں کیا کر گئی؟ آپس میں کینسل کر گئی, اس لیے منیما. ایسی اگر میں فرسٹ ڈسکس کروں کہ واٹ از فرسٹ سیکنڈری منیما, یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. سیملرلی ٹو لیمڈا کے کیس میں ویو فرنٹ کو کتنے پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے؟ چار, لیمڈا بائی ٹو, لیمڈا بائی ٹو, کینسل کر دیں گے, کینسل کر جائیں گی ویوز, تو یہ پوائنٹ کس کا ہوگا؟ سیکنڈ سیکنڈری منیما, سیکنڈری منیما تو ہوگا, منیما تو ہوگا, سیکنڈری بھی ہوگا, لیکن نمبر کیا اس کا؟ فرسٹ نہیں ہے, نمبر اس کا سیکنڈ ہے. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ سمجھ آ رہا ہے یہاں تک؟ نیکسٹ ہے, اگر ان جنرل لکھ رہے ہیں اف اے سائن تھیٹا این لیمڈا, اف اے سائن تھیٹا is equal to n lambda, it means in general condition آ گئی, اگر پارٹ ڈیفرنس n lambda ہے تو اس کا مطلب کون سی ڈیفریکشن ہے؟ اس کا مطلب منیما کا کیس ہے, منیما کا کیس ہے, جو کہ میں وہ چارٹ میں آپ کو بنا کے دکھا چکا ہوں کہ منیما کا مطلب n lambda. یہاں تک کلیئر ہے؟ اب نیکسٹ ہے, نیکسٹ ہے پوزیشن آف, کیا لکھا؟ پوزیشن آف سیکنڈری میکسیما, پرائمری میکسیما نہیں, پرائمری تو سینٹر پوائنٹ لے گیا, اس کے علاوہ کوئی بھی میکسیما ہوگا وہ سیکنڈری ہوگا, تو کہاں سے سٹارٹ کریں گے؟ تھری لیمڈا بائی ٹو, اگر اے سائن تھیٹا تھری لیمڈا بائی ٹو ہے دین دیٹ پوائنٹ ول بی اے فرسٹ سیکنڈری میکسیما, پہلا سیکنڈری میکسیما, سو دی ویو فرنٹ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو تھری ایکول پارٹس, پارٹ ڈفرنس فرام ٹو پوائنٹ لیمڈا بائی ٹو, دے ول گیو رائز ٹو ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس, کینسل ہو جائیں گے آپس میں, تھرڈ پارٹ لیمڈا بائی ٹو ول ریمین انیوزڈ, انیوزڈ کا مطلب گیونگ رائز ٹو کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس, کنسٹرکٹیو مینز میکسیما کی انٹرفیئرنس. ایسی نیکسٹ ہے فائیو لیمڈا بائی ٹو پہ میکسیما ہوگا, کون سا میکسیما ہوگا؟ سیکنڈ, سیکنڈ کے آگے ورڈ کیا لگا دینے؟ سیکنڈری. تو ان جنرل اے سائن تھیٹا ٹو این پلس ون انٹو لیمڈا بائی ٹو پہ میکسیما ہوگا, تو وہی ساری چیزیں جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں, ایسے لکھنے ہیں, پیپر میں آئے گا, بس یہی جا کے لکھ دینے سیکنڈری کی کنڈیشن کیا ہوگی, پرائمری کی کنڈیشن کیا ہوگی, بس آنسر آ جاؤ, اتنا ہی بہت ہے. ٹھیک ہے یہاں تک؟ اب آگے کوشچن یہاں تک نہیں آئے گا, کوشچن یہ بھی آئے گا, نیکسٹ بھی آئے گا, اور یہ کوشچن تو کئی بار آئے ہوئے تو بہت ہی آئے ہوئے ہیں, آپ دیکھنا آج کے لیکچر میں آپ کو بہت سارے نیومیریکل ملیں گے. ویڈتھ آف سینٹرل میکسیما, ویڈتھ آف سینٹرل میکسیما کرنے سے پہلے
एक चीज डिस्कस करते हैं कि अगर ये मेरी स्क्रीन है, ये सेंटर पॉइंट है, फर्स्ट डार्कनेस कब आई थी लैम्डा पे, सेकेंड डार्कनेस कब आई थी 2 लैम्डा पाई पे, 3 लैम्डा पाई। सिमिलरली जो ग्राफ ऊपर बने एग्जैक्टली वही पॉइंट्स नीचे बनते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक, इन सब पे डार्कनेस है। ब्राइटनेस देखें, पहली ब्राइटनेस कब आई थी, यहां जाके आई थी ब्राइटनेस, कितनी वैल्यू पे, 3 लैम्डा बाय 2 पे। ऐसी ब्राइटनेस आई थी कितने पे, 5 लैम्डा बाय 2 पे। ऐसी नीचे बनेगा, यहां पर 3 लैम्डा बाय 2 पे ब्राइटनेस है, ऐसी यहां पर नेक्स्ट है 5 लैम्डा बाय 2 पे ब्राइटनेस है। ठीक हो गया? ये ग्राफ, ये जो मैंने लाइनिंग बनाई है ना, इंटरफेरेंस से डिफरेंस डिफरेंट पता है कैसे है? अगर आप सेंटर पॉइंट की बात करो, सेंटर पॉइंट की अगर आपको ब्राइटनेस निकालनी है या विड्थ निकालनी है, सॉरी, सेंटर पॉइंट की जो विड्थ होगी वो फर्स्ट डार्कनेस से अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल दूं, यहां पर ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस होगी और ऑब्वियसली नीचे भी ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस होगी। तो अगर मैं सिर्फ ये डिस्टेंस निकाल दूं x, तो नीचे का डिस्टेंस भी एग्जैक्टली क्या होगा, x। तो टोटल सेंट्रल सेंट्रल ब्राइटनेस, सेंट्रल ब्राइटनेस की अगर विड्थ पूछी जाए तो कितनी आएगी, 2x आएगी। ये पॉइंट क्लियर है? सेंट्रल ब्राइटनेस की 2x आएगी, जबकि इंटरफेरेंस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि इंटरफेरेंस में आपका एक ब्रेक यहां लग जाती थी एट ए डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 पे याद है डार्कनेस आती थी, लैम्डा बाय 2 पे डार्कनेस थी। तो इंटरफेरेंस के अंदर पॉइंट्स डिफरेंट है, रिफ्रैक्शन के अंदर डिफरेंट है। इंटरफेरेंस के अंदर जो आपकी सेंट्रल ब्राइटनेस है वो सिंगल होती थी, मतलब एक्स होती थी, ज्यादा बड़ी नहीं होती थी, लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर यही वैल्यू ट्वाइस है। ट्वाइस क्यों है? क्योंकि जब तक डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन का डिफरेंस ही लेंगे तब तक बीच में ब्राइटनेस रहेगी, क्योंकि दो डिफ्रैक्शन के बीच में क्या होती है, एक ब्राइटनेस। तो सोचो अगर सेंट्रल पॉइंट की ब्राइटनेस की वैल्यू लेनी है तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा डार्कनेस से डार्कनेस, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, 2x। तो अगर कोई पूछे सेंट्रल ब्राइटनेस की विड्थ निकालो तो आंसर क्या होगा, 2x। अब मेरे को क्या वैल्यू निकालनी है, मेरे को x निकालना है, मेरे को सबसे पहले x निकालना है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि सेंट्रल पॉइंट से पहला डार्कनेस कब आया था एट अ डिस्टेंस ऑफ x, तो उसको ट्वाइस कर देना, सेंट्रल ब्राइट की विड्थ आ जाएगी। ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है ना? यहां तक देखो डायग्राम आपके सामने, इसमें पॉइंट्स में तो कोई गलती नहीं, लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं आपसे सिंपली एक ही पूछ रहा हूं और कुछ नहीं पूछ रहा कि इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेंट्रल ब्राइटनेस की विड्थ क्या होगी, तो जब तक डार्कनेस से डार्कनेस नहीं आएगा तब तक ब्राइटनेस ही रहेगी, तो ये ब्राइटनेस 2x होगी। ठीक है यहां तक? अब इसमें विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम मैं निकालने की कोशिश करता हूं। इसके अंदर मैंने आपको क्या समझाया कि सेंट्रल पॉइंट से अगर मैं आपको सेंट्रल पॉइंट से लेट से कौन सा डार्कनेस निकालना है मुझे, फर्स्ट डार्कनेस, और इसके डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, एक्स। फर्स्ट डार्कनेस के लिए डार्कनेस की कंडीशन ले लो, और डार्कनेस की कंडीशन क्या है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा। डार्कनेस कब होती है, व्हेन ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। कोई डाउट इसमें? इफ ए साइन थीटा एन लैम्डा और फर्स्ट डार्कनेस के लिए पुट एन इज इक्वल टू 1, तो ए साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 लैम्डा। ठीक है यहां तक? ये चीज क्लियर है? तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा बाय ए। यहां तक क्लियर है? बताता हूं लैम्डा बाय ए का क्या करना है। बेसिकली तो मेरे को एक्स निकालना है, मेरे को तो फर्स्ट डार्कनेस का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है जो कि एक्स है। ठीक, करें स्टार्ट आगे। ध्यान से देखना, बस 2-4 मिनट की बात है, उसके बाद एकदम सब सही हो जाएगा, सब कुछ निकलना शुरू हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अभी तक कंफ्यूजन है कि बीच में एक्स नहीं आ रहा, अभी तक तो सिर्फ मैंने कंडीशन लगाई है कि एन की वैल्यू 1 पुट करने से ए साइन थीटा 1 लैम्डा आ गया। यहां तक क्लियर है? अब देखो एक्स कैसे आएगा। पिछले डायग्राम पे आ जाओ, ठीक, डायग्राम के अंदर ध्यान से देखना एक चीज। सपोज मान लो एक मिनट के लिए यही मेरा फर्स्ट डार्कनेस है, ये मेरी फर्स्ट डार्कनेस की वैल्यू है, और मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में, एक्स। ठीक, एक चीज यहां से देखना,
ये एक्सपेरिमेंट बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है क्योंकि स्लिट बहुत 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 छोटी है। ये तो बहुत बड़ा बनाया हुआ है, आपका डायग्राम तो इतना छोटा होगा कि आपको आपकी स्लिट कितनी छोटी होगी, एक होल दिखाई भी नहीं देगा, इतनी छोटी। ठीक, तो इसमें याद रखना ये एंगल बहुत छोटे होते हैं, एंगल्स बहुत छोटे हैं, सच दैट ये डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन को हम कैपिटल डी लिखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल डी लिखेंगे। एंड एंड ये कैपिटल डी है, एंड ये डिस्टेंस भी डी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्टली तो हो नहीं सकता, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस फेल हो जाएगा, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली व्हेन थीटा इज स्मॉल तो मैं बोल सकता हूं कि चाहे सीधा डिस्टेंस ले लो चाहे ऊपर वाला डिस्टेंस ले लो, अप्रोक्सीमेटली सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है यहां तक, तो इसीलिए मैं ये डिस्टेंस तो मुझे मालूम ही होता है, स्टैंडर्ड है कैपिटल डी, वो तो मुझे मालूम है कि स्लिट और स्क्रीन में कितना डिस्टेंस है कैपिटल डी। हाँ ये डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा चेंज होता है पर इतना भी चेंज नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल ही रहता है। मैथ्स है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कैसे, ये एंगल सेम होगा, उसका रीजन सुन लो क्या है, ध्यान से देखना इधर, अगर ये थीटा है आपका डायग्राम, आपके डायग्राम में शायद ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, थीटा करने की जरूरत भी नहीं आपको, डोंट वरी, पूछेगा भी कोई नहीं, मेरे डायग्राम में हो जाएगा। दिखाता हूं कैसे, ये थीटा है, ये एक वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट और रे का एंगल 90 होता है सबको मालूम है, तो ऊपर भी ये वाला एंगल क्या होने वाला है 90, दिख रहा है यहां तक, कोई डाउट किसी को इसमें, तो इस ट्राइंगल में एक ये वाले इस ट्राइंगल में ये थीटा ये 90, तो बोलो ये कितना 90, सबको क्लियर है यहां तक, ठीक है ना, एक ट्राइंगल है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 है, तो एक थीटा एक 90, तो तीसरा 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल कितना थीटा, क्योंकि ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा थीटा। आपके डायग्राम में इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि आपके डायग्राम में ना वो कंप्यूटर लाइन इतनी क्लोज है उसको डिवाइड नहीं कर पाओगे थीटा और 90 माइनस थीटा में, पर आपको करने की जरूरत नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि एंगल थीटा कैसे आया, इतना कुछ है पूछने वाला इसमें, कोई ये क्यों पूछेगा कि एंगल थीटा के प्रूफ करो, वैसे बता दिया मैंने ये थीटा होगा। वापस आ जाएं, मैंने बोला था कि मान लो एक मिनट के लिए ये मेरा फर्स्ट डार्कनेस है, ये मेरी फर्स्ट डार्कनेस है, ये जो पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज सपोज दिस इज फर्स्ट डार्कनेस, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है यहां से एक्स की। एक चीज देखो, अगर मैं आपको कैपिटल डी बता दूं इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, इस ट्राइंगल में साइन थीटा एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, या फिर टेन थीटा भी क्या आएगा एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, एक ही बात है, बात एक पता है क्यों है, बिकॉज एंगल जब क्या होता है स्मॉल, तो साइन थीटा एंड टेन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज थीटा, क्या फर्क पड़ता है, चाहे साइन की वैल्यू निकालो चाहे टेन की निकालो, बात एक ही है। तो इसलिए कह रहा हूं कैपिटल डी की वैल्यू जैसे मर्जी ले लो, एक ही बात है, ज्यादा क्लियर है। तो इसके अंदर मैं इसको स्टैंडर्ड मान लेता हूं कैपिटल डी, ये थीटा, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं टेन थीटा इज एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, और जो टेन थीटा होगा वही मेरा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा साइन ऑफ थीटा होगा। ये स्टेप क्लियर हो गया सबको, कृति ठीक, ये स्टेप सबको क्लियर है, सारांश देते ठीक, तो बस आंसर आ गया। इधर देखो मुझे किसकी पोजीशन निकालनी है, मेरे को पोजीशन निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा की, विड्थ निकालनी है, अभी निकालेंगे एक्स निकालने, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए बताया था कि ये सेंटर है, फर्स्ट डार्कनेस का डिस्टेंस निकालना है एक्स, तो आपने क्या किया फर्स्ट डार्कनेस की कंडीशन लगाई, फर्स्ट डार्कनेस की कंडीशन में एन की जगह वन, साइन थीटा आ गया लैम्डा बाय ए, और साइन थीटा की वैल्यू कैन बी रिटन एज व्हाट एक्स डिवाइडेड बाय टी, अभी करके दिखाया मैंने एक्स बाय टी,
tan theta ले लो, वो भी x by d है, sin theta और tan theta की वैल्यू approximately क्या होने वाली है, सेम, इक्वेट कर दो दोनों को, एक से आ गया लैम्डा बाय a, एक से आ गया x by d, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो x आ गया, और अगर x आ गया उसको डबल कर देना, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइटनेस आ गई 2x, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, समझ आ रहा है, इसको कम से कम अच्छा ही है, क्वेश्चन में आना जरूर, आप देखना कंपटीशन में वेव ऑप्टिक्स में से, ये तो बात पक्की है, ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ, अब क्या निकालना, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी मैक्सिमा मींस फ्रिंजेस, फ्रिंजेस बोल सकता हूं इसमें, यूज नहीं की हुई टर्म, कि मैक्सिमा मिनिमा यूज करते हैं, फ्रिंजेस वर्ड उसमें यूज की हुई है आपकी इसमें इंटरफेरेंस में, बट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं विड्थ ऑफ फ्रिंज निकालना चाहता हूं, और फ्रिंजेस किसकी, ब्राइटनेस की, मैक्सिमा की मैं क्या निकालना चाहता हूं, विड्थ, लेकिन सेंटर की नहीं, सेंटर की विड्थ तो डबल ही होती है, सेंटर नहीं, किसी और की, कोई भी ब्राइटनेस की, तो कोई भी ब्राइटनेस निकालने का एक ही तरीका है, कि आप अगर सेंट्रल पॉइंट लेते हो, आप एक काम करो, आप लास्ट डार्कनेस ले लो, सेकेंड लास्ट डार्कनेस ले लो, इन दोनों डिस्टेंस को आपस में क्या कर दो, माइनस, तो किसकी विड्थ आ जाएगी, ब्राइटनेस की, ऐसे होता है ना, हमने इंटरफेरेंस में यही किया था, आखिरी डार्कनेस माइनस सेकेंड लास्ट डार्कनेस, माइनस करेंगे तो विड्थ ऑफ ब्राइटनेस, तो अब मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आखिरी डार्कनेस का, आखिरी डार्कनेस के लिए कंडीशन किसकी यूज करनी है, डार्कनेस की, और डार्कनेस की कंडीशन सबको आती है, ए साइन थीटा एन लैम्डा, और कौन सा डार्कनेस चाहिए, एनथ, तो एन को एन पुट रहने दो, पुट मत करना कुछ भी, 1 2 3 4, यहां से साइन थीटा एन लैम्डा बाय ए, अगेन अगर मान लो ये आपका एनथ डार्कनेस है, ये आपकी वैल्यू कितनी है, एक्स है, ये डी था, ये मान लो एंगल थीटा हो गया, तो साइन थीटा या टेन थीटा एक ही बात है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स डिवाइडेड बाय, इक्वेट कर दिया, एक साइन थीटा एन लैम्डा बाय डी, एन लैम्डा बाय ए सॉरी, और एक वैल्यू क्या आ गई, एक्स अपॉन डी, वो तो हमेशा एक्स बाय डी ही रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स आ गया, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये पता है क्या निकाल दिया, ये किसका डिस्टेंस आ गया, लास्ट डार्कनेस का, सेंटर से लास्ट डार्कनेस का न्यूमेरिकल आएगा, फिफ्थ डार्कनेस का डिस्टेंस निकालो, एन की जगह क्या पुट कर देंगे, 5, फोर्थ डार्कनेस का डिस्टेंस निकालो, इसमें एन की जगह 4, डाउट है दीदी, मैक्सिमा ब्राइटनेस है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमा, मैक्सिमा की क्या निकालनी है, विड्थ, तो मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है, तो दो डार्कनेस को माइनस करेंगे तभी मैक्सिमा बीच में आएगा, तो स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, डार्कनेस से, विड्थ जब मैक्सिमा की निकलेगी कंडीशन मिनिमा की लगेगी, विड्थ जब मिनिमा की निकालनी है कंडीशन मैक्सिमा की लगेगी, इंटरफेस में सेम था, याद तक क्लियर है, ये स्टेप सबको क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रखना, अब आ जाओ ये देखो प्रीति, ये बीटा किसका निकल रहा है, मैक्सिमा का, ये डिस्टेंस किसका निकाला मैंने, लास्ट मिनिमा का, ये किसका निकाला, मिनिमा का, सेकंड लास्ट का, तो ये लास्ट मिनिमा का डिस्टेंस है, सेकंड लास्ट के लिए पुट एन की जगह एन माइनस वन, आंसर आ गया लैम्डा डी बाय स्मॉल ए, यहां तक क्लियर है, तो दिस इज द विड्थ ऑफ मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, सेंटर को छोड़ के, और सेंटर की वैल्यू डबल आई थी 2x, इसको चेक करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो दो, सेम आंसर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर आएगा, नेक्स्ट क्या निकालना है, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, मुझे वैल्यू निकालनी है विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, निकाल लें, अब मुझे विड्थ मिनिमा की निकाल रही है, कंडीशन किसकी यूज करूंगा मैं, मैक्सिमा की, क्यों, सेंटर से एनथ मैक्सिमा निकाल लो, इसमें से n माइनस वनथ मैक्सिमा का डिस्टेंस को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या जाएगा, डार्कनेस, ठीक, तो कंडीशन सबसे पहले किसकी यूज की, मैक्सिमा की, विड्थ किसकी निकालनी है, मिनिमा की, साइन थीटा की वैल्यू आ गई, और मान लो एक मिनट के लिए ये सेंटर है, ये nth मैक्सिमा है,
और मान लो इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना एक्स डैश है और ये डी है और ये थीटा है, तो अगेन टैन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे एक्स डैश बाय टी, यहां तक क्लियर है? तो साइन थीटा की जगह एक्स डैश बाय डी, साइन थीटा ऑलरेडी मुझे मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आएगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ मैक्सिमा, तो यहां पुट कर देंगे एन की जगह फाइव। ठीक, समझ आ रहा है? इंटरफेरेंस की तरह ही न्यूमेरिकल आने शुरू हो गए इसमें। नेक्स्ट है, मुझे बीटा किसका निकालना है? मिनिमा का। तो मैंने आखिरी डिस्टेंस किसका निकाला? मैक्सिमा का। इसमें से फिर से किसको माइनस किया? तो ये मैक्सिमा का डिस्टेंस है, एन की जगह क्या रिप्लेस करना है? एन माइनस वन, इन दोनों को माइनस कर दो, आंसर सेम आ गया लैम्डा डी बाई। इंटरफेरेंस में फॉर्मुला पता है क्या था? लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी, इसमें लैम्डा बड़ा डी बाई स्मॉल ए, एक जैसा ही है। टेस्ट जरूरी है ना, पांच दिन के बाद ये कंडीशन बता पाओगे मेरे को? विड्थ निकाल दोगे? कोई निकाल पाएगा, आधी जनता रुक जाएगी, आधी क्या 5-7% लोग होंगे जिसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना? एंगुलर पोजीशंस, देखो एंगुलर पोजीशंस क्या होती हैं इसको समझो। एंगुलर पोजीशंस हैं, इधर देखना, सपोज करो ये सेंटर है, ये फर्स्ट डार्कनेस है, मान लो फर्स्ट डार्कनेस है। फर्स्ट डार्कनेस का डिस्टेंस अगर मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट डार्कनेस का डिस्टेंस मान लो कुछ भी एक्स है, कुछ भी एक्स है, ये डिस्टेंस आपको डी मालूम है, तो ये अगर थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? एक्स डिवाइडेड बाय डी अप्रोक्सीमेटली, टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली, एक ही बात है, ठीक है ना? यहां तक एंगल छोटे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, ये टेन थीटा साइन थीटा की जगह अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? थीटा। ये थीटा को बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। हम न्यूमेरिकल ऑफ इंटरफेरेंस के अंदर डिस्कस किया था कि इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर डिस्टेंस इन मीटर्स एक्स, आप एक्स की फॉर्म में बात मत करो, आप एंगल की फॉर्म में बात करो, कितने एंगल पर फर्स्ट डार्कनेस है, कितने एंगल पर फर्स्ट ब्राइटनेस है, वो एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर पोजीशंस। क्लियर है यहां तक? निकालने एंगुलर पोजीशंस, सबसे पहले किसकी एंगुलर पोजीशन निकालनी है? मिनिमा की। तो कंडीशन किसकी यूज करेंगे? मिनिमा की। मिनिमा की कंडीशन ए साइन थीटा एन लैम्डा, साइन थीटा एन लैम्डा बाय ए। फर्स्ट मिनिमा कब होगा? एन की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? वन। एंगल छोटा है, साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। तो ये क्या आ गया? पहला एंगल, फर्स्ट एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा का एंगल आ गया ना, आंसर आ गया। उसी तरीके से सेकेंड मिनिमा, सेकेंड मिनिमा के लिए इस कंडीशन में एन की जगह टू, एंगल छोटे हैं, एंगल आ गया, एंगल पोजीशन आ गई। थर्ड की क्या बनेगी? थ्री लैम्डा बाय ए। फोर्थ की क्या बनेगी? फोर लैम्डा बाय ए एंड सो ऑन। ये जो एंगल्स आएंगे इनको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर पोजीशन। कोई डाउट है इसमें? यहां तक समझ आ रहा है? एंगल निकाल दिया सिंपली, कंडीशन से निकल गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना? यहां तक अखिलेश, मैक्सिमा की कंडीशन निकालने, मैक्सिमा की कंडीशन में कंडीशन किसकी यूज करेंगे? मैक्सिमा की। फर्स्ट मैक्सिमा कब आएगा? एन की जगह वन। साइन एंगल स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल फर्स्ट एंगुलर पोजीशन, सेकेंड एंगुलर पोजीशन में एन की जगह टू, थर्ड के लिए एन की जगह थ्री एंड सो ऑन। यहां तक क्लियर है? फर्स्ट एंगुलर पोजीशन, सेकेंड एंगुलर पोजीशन, थर्ड एंगुलर पोजीशन एंड सो ऑन। ठीक, इसको प्लॉट करें, जब इसे प्लॉट करेंगे ये देखो चेक करो, ये सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट पर क्या था? ब्राइटनेस। ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करनी है एंगुलर पोजीशंस, चेक करना। पहले डार्कनेस की बात करते हैं, मिनिमम, मिनिमम में पहला मिनिमा कब आया था? एंगुलर पोजीशन क्या थी? लैम्डा बाय ए, चेक करो एंगुलर पोजीशन मिनिमा, चेक करो असाइनमेंट में एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा कब आया? लैम्डा बाय ए, चेक करो।
मीटिंग है प्रभाव नहीं मिला बताना कहाँ पे मिल गया आपको मिल गया ठीक है लैम्डा बाई सेकंड एंगल पोजीशन चेक करो कितना टू लैम्डा बाई थर्ड चेक करो थ्री लैम्डा बाई ठीक है ना और मैं मिनिमा इसलिए बोल रहा हूँ देखो यहाँ पर एकदम मिनिमा एकदम नीचे है ग्राफ एम्पलीट्यूड जीरो एकदम लाइट का अब आ जाओ मैक्सिमा मैक्सिमा सबसे पहले ब्राइटनेस कहां पर आई थी सेंटर पे फिर कब आई थी थ्री बाई टू लैम्डा बाई ए थ्री बाई टू का मतलब 1.5 फिर कब आई थी फाइव बाई टू लैम्डा बाई ए 2.5 फिर 3.5 ये मैक्सिमा 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 ठीक ये तो मैंने फिर भी ग्राफ बहुत बड़े बड़े बना दिए लेकिन एक्चुअल में ग्राफ ऐसा बनता है मींस एक्चुअल में सेंटर पे तो एम्पलीट्यूड बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है उसके बाद एम्पलीट्यूड एकदम कम हो जाता है बहुत ही ज्यादा कम ये रहा ऐसा ग्राफ बनता है मतलब मेरे को एम्पलीट्यूड सेंटर का सबसे ज्यादा हाई शो करना है बाकियों का एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा लो शो करना है और एम्पलीट्यूड कैसे आया वो रिजल्ट नहीं है इसमें उसमें इक्वेशंस मैथमेटिकली आपको क्योंकि हम कहां से आ रहे हैं हम थ्योरी के साथ चल के आ रहे हैं ऐसा हुआ होगा हमने इंटेंसिटी नहीं निकाली ना हमने एम्पलीट्यूड निकाला अगर आप इसको बहुत डिटेल में स्टडी करोगे फिर आपको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा कि डिस्ट्रक्टिव कैसे आई कंस्ट्रक्टिव कैसे आई वेयर की इक्वेशन लेके वहां से एम्पलीट्यूड आएगा वो नहीं हमने करना वो तो हायर क्लास में जाके आप कर सकते हो जब आएगा यहां तक क्लियर है ठीक बस डिफ्रेक्शन इतना ही था ठीक है यहां तक और बस अब मेन चीज मेन डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो आपका इंटरफेरेंस है टू डिस्टिंक्ट वेव से है कमिंग फ्रॉम टू सोर्सेस डिफ्रैक्शन एक सोर्स से होता है नेक्स्ट है इंटरफेरेंस में ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी जबकि डिफ्रैक्शन में सेंट्रल की तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और बाकियों की बहुत लो होती है कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है नेक्स्ट है इंटरफेरेंस में मिनिमा इज द इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इज जीरो एंड देयर इज अ गुड कंट्रास्ट बिटवीन डार्क एंड ब्राइट बैंड्स जो डार्क है बहुत डार्क है जो लाइट है बहुत ब्राइट है लेकिन इन डिफ्रैक्शन में सेंट्रल बहुत ब्राइट है फिर डार्क है डार्क भी पूरी तरह डार्क नहीं है डार्क में भी थोड़ी सी ब्राइटनेस रहती है क्योंकि आफ्टर ऑल लाइट का एक पार्ट दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहा है तो पूरी तरीके से कैंसिल कैसे कर सकते हैं हम बोलते हैं कैंसिल कर गया पूरी तरीके से कोई कैंसिल नहीं करता हाँ लाइट कम हो जाती है तो उसको हम डार्कनेस बोलते हैं तो इस तरीके से एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं बनता लेकिन इतना बुरा भी नहीं बनता कम से कम डार्कनेस होती तो है तो एज कम्पेयर टू इंटरफेरेंस बहुत अच्छा नहीं है इसके साथ ही डिफ्रेक्शन खत्म नेक्स्ट जो है दो फॉर्मूलाज है सिर्फ और कुछ नहीं करते पोलराइजेशन स्टार्ट नहीं करना इसके न्यूमेरिकल्स करने हमने अभी रिजॉल्विंग पावर है रिजॉल्विंग पावर का टॉपिक पूरे प्लस टू के अंदर ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा सिर्फ एक ही लाइन करूंगा इस इन दो फॉर्मूलाज को याद कर लेना बस ये मत पूछना कि क्यों और कैसे आ गए अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे आपको कोई किताब नहीं बताएगी क्यों और कैसे आ रहे हैं क्योंकि ये जिस तरीके से सॉल्व किए हुए हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है बट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सीबीएसई में एक नंबर का किसी टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है इसको एज इट इज याद कर लेना बताता हूं क्या वैसे हमने करनी है हमने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप करने हैं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर हम करेंगे आपने शायद सुना भी होगा साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कोई लॉजिक है मैं डायग्राम बनाऊंगा साइज ऑफ इमेज दिखाऊंगा ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा डिवाइड करूंगा मैग्नीफाइंग पावर आएगी इसके अंदर ये कहां से फॉर्मूले आए ये नहीं मेरे को पता पर ये चीज पता है कि ये फॉर्मूलाज हैं और एनसीईआरटी के अंदर भी एक नोट लिखा हुआ है छोटा सा ये वही फॉर्मूलेज हैं तो रिजॉल्विंग पावर क्या है रिजॉल्विंग पावर है कि कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा दो तरीके के एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक है माइक्रोस्कोप एक है टेलीस्कोप रिजॉल्विंग पावर है कि माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर है कि वो बहुत नजदीक ऑब्जेक्ट को आपको अलग अलग करके दिखाएगा बड़ा करके तो दिखाएगा अलग अलग करके दिखाएगा
जितना अलग अलग करके दिखाएगा उसकी रिजोल्विंग पावर उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है टेलीस्कोप की रिजोल्विंग पावर है। अगर कोई दो स्टार्स आपको एक नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है एक ही स्टार है, वो एक नहीं है। जब आपने टेलीस्कोप से देखा, आपने देखा कि वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, आपने बहुत करीब से देखा, ठीक उसकी उतनी ही हाई रिजोल्विंग पावर है। तो रिजोल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेजेस ऑफ टू क्लोज ऑब्जेक्ट। बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट की दो सेपरेट इमेजेस बनाएगा। माइक्रोस्कोप का यह फॉर्मूला याद करना है आपने कि अगर ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, आपकी रेज निकल रही हैं, लेंस में से जा रही हैं, आई में जा रही हैं, और आई के पास जो लेंस है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव ग्लास होता है, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ये सपोज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल थीटा थीटा है। तो अगर लीस्ट सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट सो दैट दे अपीयर जस्ट सेपरेटेड इज, मतलब इतनी भी क्लोज ना हो कि वो एकदम चिपक जाए, कम से कम उनके बीच में सेपरेशन जो होनी चाहिए वो इतनी है, इससे ज्यादा हो सकती है, तो ये लीस्ट सेपरेशन है जिसको आपका जो माइक्रोस्कोप है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट की तरह करके दिखा सकता है, जिसका फॉर्मूला डी इज लैम्डा अपॉन टू म्यू साइन थीटा। और रिजोल्विंग पावर जो होती है माइक्रोस्कोप की वन अपॉन लीस्ट डिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज टू म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। क्यों कैसे कुछ नहीं करना, ठीक इसको ऐसे ही याद करना है आपने, और ये पूरी प्लस टू के अंदर एक ही टॉपिक है जिसको मैं ये बोलूंगा, इसको ऐसे याद कर लेना। इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं जो विदाउट एक्सप्लेनेशन है, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन गिवन होती है, बट एक्सेप्ट दिस, इसको आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद करना, डिटेल ढूंढने की कोशिश मत करना, ऑब्जेक्टिव आएगा नहीं, और थ्योरी में आ जाएगा तो एक नंबर का ही आएगा, रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला लिखना आएगा। उसी तरीके से टेलीस्कोप का भी याद करना है, टेलीस्कोप की रिजोल्विंग पावर डी अपॉन 1.22 लैम्डा, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स, जो भी इनके बीच में स्टार्स के बीच में डिस्टेंस है वो डी है, एंगल मेरी आईज पे बन रहा है एंगल डी थीटा, बहुत छोटा एंगल बन रहा है स्टार्स का, तो 1/d θ को रिजोल्विंग पावर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आएगी डी अपॉन 1.22 लैम्डा। बस ठीक है यहां तक, तो थ्योरी तो यहां तक खत्म करते हैं, अभी इसके अलावा स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन स्लिट 0.5 mm वाइड, क्या गिवन, स्मॉल ए गिवन, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क बैंड्स ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, ये सेंटर है, ये डार्क है, ये डार्क है, कह रहे दो डार्क के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, बोलो क्या होगा, 2x, ठीक लिखा ना, 2x, और 2x की वैल्यू आपको इसमें निकालनी है, 2 लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा ए, और स्क्रीन इज प्लेस्ड 2 meters फ्रॉम स्लिट, क्या गिवन है, कैपिटल डी गिवन है, तो क्वेश्चन में कैपिटल डी गिवन है, लैम्डा गिवन है, ए गिवन है आंसर। मेथड क्लियर है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ पूछ रहे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, 2x होगी, और 2x का फॉर्मूला हम सबको मालूम है, ठीक। ठीक है, सीधा आंसर निकाल लेना, 2 बड़ा डी लैम्डा स्मॉल ए, जब वैल्यूज पुट करोगे आंसर आएगा 4.8 × 10⁻³ meters, 4.8 × 10⁻³ meters। नेक्स्ट है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन फॉल नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ, स्लिट ऑफ विड्थ का मतलब, स्लिट ऑफ विड्थ का मतलब ए गिवन, कैलकुलेट एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम, तो कंडीशन किसकी लगानी पड़ेगी, मिनिमा की, मिनिमा की कंडीशन बोलो ए साइन थीटा, और कौन सा मिनिमम निकालना है, फर्स्ट ए साइन थीटा 1,
इज वन लैमडा, तो साइन ऑफ थीटा वन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा वन इज लैमडा डिवाइडेड बाय ए, तो आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, यहां तक लैमडा पता है, ए पता है, यहां से आंसर आ जाएगा, एंगल पोजीशन आ गई। साथ में ये भी निकालना है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो क्या निकालना है इसमें, टू एक्स, सबको फॉर्मूला पता है टू लैमडा बड़ा डी बाय छोटा, दोनों चीजें तीनों चीजें गिवन है, यहां से आंसर आ जाएगा। मेथड क्लियर है ना, इसमें क्या करना है, विड्थ निकालनी है तो विड्थ आ जाएगी सेंटर की, और अगर एंगल निकालना है तो एंगल आ जाएगा। सॉरी, एंगुलर विड्थ है, वर्ड एंगुलर आ गया ना, मैंने गलती की, कोई बात नहीं। आपको क्या निकालना है, एंगुलर विड्थ है, एंगल निकालना है किसका, सेंटर का। देखो फर्स्ट डार्कनेस है, फर्स्ट डार्कनेस है, आप एक काम करो, आप ये एंगल तो निकाल ही चुके हो, फर्स्ट डार्कनेस का कितना, यही है ना सेम, इसको डबल कर देना, क्योंकि ऊपर और नीचे डार्कनेस ही डार्कनेस है, क्योंकि आपको एंगल क्या निकालना है, नीचे भी एंगल थीटा वन आएगा, तो आंसर क्या टू टाइम्स, ये आंसर आ गया। ठीक हो गया ना, सेंट्रल सेंट्रल की एंगुलर विड्थ क्या होगी, ऊपर से डार्कनेस नीचे से डार्कनेस, तो टोटल एंगल, और टोटल एंगल क्या होगा, टू टाइम्स थीटा वन, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। समझ आ रहे हैं यहां तक, आंसर नोट कर सकते हो, आंसर आएगा 0.5 रेडियंस, सेंट्रल का क्या आएगा 2 × 0.5 रेडियंस। ठीक है, आंसर स्क्रीन इज प्लेस 2 मीटर अवे, क्या गिवन है, कैपिटल डी, फाइंड स्लिट विड्थ, क्या निकालना है, स्मॉल ए, फर्स्ट मिनिमम लाइज 5 mm ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, क्या गिवन है, अगर ये सेंटर है, ये फर्स्ट मिनिमम है, ये फर्स्ट मिनिमम है, ये वैल्यू 5 mm है, तो ये वैल्यू भी नीचे वाली 5 mm है, तो इसका मतलब आपको 2x की वैल्यू गिवन है, तो 2x की वैल्यू का फॉर्मूला सबको मालूम है, 2 लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा है, तो 2 × 5 mm, x की जगह 5 × 10⁻³, ये वैल्यूज आपको मालूम है, या छोड़ो, आपको x की वैल्यू यहां पर मालूम है, x की वैल्यू कितनी है 5 mm, x पुट कर लेना, लैम्डा पुट कर लेना, d पुट कर लेना, और किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की, एक आंसर आ गया। ठीक, एनी डाउट, समझ आ रहा है सबको, ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक, इसमें से वैल्यूज पुट करना, आपका आंसर आएगा ए का 2 × 10⁻⁴। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन, स्लिट वाइड का मतलब स्मॉल ए गिवन, कैपिटल डी गिवन, विड्थ ऑफ सेंट्रल आसान है, 2x का फॉर्मूला लगा लेना, 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल ए, आंसर सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम का फॉर्मूला सबको मालूम है ना, 2x आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए गिवन लैम्डा गिवन। सेपरेशन किसके किसके बीच में निकालने, सेंटर
एंड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, मान लो ये फर्स्ट मैक्सिमम है, इनका ये एंगल निकाल लें। अब क्योंकि मैक्सिमम है तो कंडीशन किसकी लगेगी, मैक्सिमा की, और मैक्सिमम की कंडीशन बोलो ए साइन थीटा क्या, ए साइन थीटा इज 2n प्लस 1 इनटू, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब n की जगह 1, ठीक। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक, ये एंगुलर पोजीशन आ गई, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, लैम्डा गिवन है, a गिवन है, आंसर, ठीक है ना। सेम चीज है, बस मिनिमा की जगह आपको मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन पूछ ली, मैक्सिमा की पूछेगा तो मैक्सिमा की कंडीशन लगा लो, मिनिमा की पूछेगा तो मिनिमा की लगा लो, साइन थीटा निकालना है और क्वेश्चन निकालना आपने इसमें, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। लास्ट है, यही है, फाइंड एंगुलर, एक और है क्या, लास्ट क्वेश्चन गलत है, लास्ट वाला छोड़ दो, स्टेटमेंट गलत है, ठीक है यहां तक, एक ही क्वेश्चन बचा है ना बस आपके असाइनमेंट में, ठीक, क्वेश्चन गलत है, स्टेटमेंट गलत है, पढ़ के देख लो। चलो यहां तक क्लियर है, नेक्स्ट टाइम पोलराइजेशन स्टार्ट होकर खत्म हो जाएगा और वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, एक लेवल तक, मतलब बेसिक लेवल खत्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन देखेंगे उसके क्या करते हैं, पढ़ो। और हाँ, नेक्स्ट टाइम सुन लो, मैं कहना भूल गया, इस बार टेस्ट नहीं हुआ, 101% एक लाइन को डिफ्रैक्शन की विड्थ निकालनी पड़ेगी, एक को इंटरफेरेंस की, बाद में मत कहना, आज टेस्ट नहीं हुआ, अगली बार 101% होगा।